नमस्कार केटिभी न्यूजमा यहाँलाई म स्वागत जनाउँछु। म उमेश परियार। पछिल्लो लोकसभा चुनावमा दार्जिलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रबाट सांसद बन्नको निम्ति चुनावमा उत्रेका खरसाङका भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा अर्थात् बिपी बजगाईले नराम्रो हिसाबमा हारको सामना गरेका थिए। यसरी आफूले हारको सामना गरेपछि अब उपरान्त आफू जातिको निम्ति नबोल्ने नलड्ने वाचा नै गरेर पसेका थिए। तर विधायक बजगाई जातिको हितमा नबोली बस्न सकेनन्। अन्तत विधानसभामा उनी बोले। हालै उनले विधानसभामा जे बोले, जुन विषय उठान गरेका छन्, त्यो अहिले चर्चा मात्र होइन, यसमाथि अब बहस हुन अनिवार्य रहेको कुरा अघि आइरहेको छ। आखिर विधायक बजगाईले के बोलेका थिए त? सुनौ विधायक बजगाईलाई एकचोटि। टीवी समाचारका सरप्राइजर वारोबर, द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ, ओसिएस कालिम्पोङ, वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, टेन्थ माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिच्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, 26 नवम्बर 2015 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने पहली बार संविधान दिवस मनाया और तभी से 26 नवंबर को हर साल हम संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान तैयार हो गया, लेकिन इसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अनाधिकृत रूप से अपनाया गया। साथ ही आज यह 26 नवंबर के दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिवस भी है। आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। इसी तरह आज संविधान सभा के ये तत्कालीन सदस्य तक के श्री हरिबहादुर गुरुंग और डम्बर सिंह गुरुंग को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के निर्माण के समय आदिवासी समुदाय के साथ जाने अनजाने में कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हुई है, तो संविधान दिवस के इस मौके पर मैं उन मुद्दों पर आज चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय संविधान ने विशेष रूप से गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, मेचे, टोटो, रावा जैसे भारत के अन्य भी कई आदिवासी समुदायों के भूमि के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विशेष सामाजिक संरचना और परंपरा थी। ब्रिटिश शासन ने एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज घोषित किए थे ताकि वहां के आदिवासी समुदायों के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इन क्षेत्रों को कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे आदिवासी समुदाय के पारंपरिक भूमि, जंगल और संसाधनों पर उनका अधिकार कमजोर पड़ गया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। हमें लगता है हमें सबको मिलकर इसके ऊपर चिंता करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। दूसरा, प्रकृति पूजक मूलवासी और आदिवासी समुदाय को संविधान में हमारे हिंदू समाज के उपवर्ग मानकर शामिल किया गया है भी हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक मौलिक धर्म है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है, इसको सुरक्षा देने की कोई जगह हमने नहीं बनाई।
जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर नेपाली अर्थात ये गोरखा महाजाति के खस क्षेत्री बाहुन कामी दमाई ठकुरी सार्की सन्यासी बादी धरती और गाइने समुदाय का धर्म असल में मस्त धर्म है, लेकिन जनगणना फॉर्म में मस्त धर्म का कोई कॉलम नहीं है। इससे हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ। ऐसे मुद्दों को देखते हुए संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इस पर चर्चा करना चाहिए। संविधान में मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट न करना भी एक गलती साबित हुई है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 में संपन्न हुई थी, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। हालांकि संविधान मित्र राष्ट्रों के नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करने के कारण यह संधि हमारे लिए अन्याय का कारण बना। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा और सहयोग था, लेकिन इसमें नागरिकों को बिना पासपोर्ट के आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता देने के कारण समस्या उत्पन्न हुई। जब यह संधि लागू की गई तब भारत में रहने वाले नेपाली भाषी समुदायों का परिचय उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया, तो बिना पहचान के लागू किया, जिससे आज जो हम मूल भारतवासी नेपाली हैं आज हमें विदेशी के रूप में देखा जाता है। ये संधि का दुष्परिणाम है, संविधान में इसको सुनिश्चित नहीं किया। तो इसने भारतीय समाज में नेपाली समुदाय के साथ भेदभाव और सामाजिक अलगाव पैदा किया। हमारी पहचान की समस्या यहीं से शुरू हुई। मुझे लगता है हमें आज संविधान दिवस पर ऐसे मुद्दों पर जहां पर संविधान में कुछ छुटपुट गलतियां हुई है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। सन 1941 सन 1931 सन 1941 के भारत के जनगणना के रिकॉर्ड में हम सभी नेपाली भाषी समुदायों को जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1941 की जनगणना 10 साल के लिए डिकेडल होता है, इसका मतलब हम 1951 तक जनजाति थे, मतलब जब भारत स्वाधीन हुआ तब भी हम ट्राइबल थे। और 19 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा चल रहा था, संविधान सभा ने 19 दिसंबर 1946 को गोरखाओं को जनजाति के रूप में, मतलब गोरखा जनजाति होने का जिक्र तत्कालीन संविधान सभा में किया गया था माननीय डंबर सिंह गुरुंग जी। तो 1949 में भारत में जब संविधान लागू हुआ, ये बहुत जरूरी बात है, 1949 में जब भारत में संविधान लागू हुआ तब भी हम जनजाति थे, लेकिन जब 6 सितंबर 1950 को अचानक राजतंत्र संख्या 40 द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 लागू हुआ, जिसके तहत नेपाली अर्थात गोरखा जाति ने जनजाति का हक खो दिया। उस समय जब स्थापित जनजातियों का उनका हक छीनने का सामना करना पड़ा तब संसद में इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई। यह संवैधानिक रूप से अन्याय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वी वेर लिस्टेड एज अ ट्राइब, वी वेर डीलिस्टेड, नाउ वी वांट टू बी रीलिस्टेड। संविधान में इसका संशोधन आवश्यक है। मैं इस हाउस के माध्यम से राज्य सरकार को और भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस संधि, ये ऊपर जो मैंने जिक्र किया, इन संधि के नकारात्मक प्रभाव में छोटा समय बस 30 सेकंड ज्यादा लेना चाहूंगा, और यह जितना भी डिस्प्यूट है इसके चलते जितने भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए, भविष्य में इसको सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण में आदिवासी समुदाय के न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह है कि उनके मुद्दों का प्रभावी और व्यक्तिगत व्यवस्थित समाधान
अभी भी बाकी है, सब मिलकर इसका समाधान ढूंढा जाए। धन्यवाद। देश को संविधान लेखिनु भन्दा अघि यो देश में गोर्खा जाति जनजाति थे। जसो संविधान लेखियो, जसो भारत नेपाल मैत्री सन्धि भयो, तबदेखि गोर्खा जातिमाथि भएको अन्याय बजगाईले क्लियर एन्ड कट राखिदिएका छन्। अब संविधान संशोधन गरिनु आवश्यक रहेको कुरा पनि उनले उठान गरेका छन्। यो कुरा अघि आएपछि यता जनजाति अथवा आदिवासी विषयमाथि अघिका दिनहरूदेखि बोलिरहेका कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बजगाईको कुरामा समर्थन जनाउँदै यसमाथि अब बहस हुन अनिवार्य रहेको बताए। साथै उनले यसमाथि बजगाई मात्र होइन कालेबुङका एमएलए रुदेन लेप्चा, दार्जिलिङका एमएलए निरज जिम्बा अनि सांसद राजु विष्टले यस विषयलाई आफ्नो टाउकोमा बोकेर हिँड्नु पर्ने बताएका छन्। धन्यवाद। त म श्री बीपी बजगाईज्यू, माननीय विधायक हुनुहुन्छ कर्स्याङ तपाईँको विधानसभा समष्टिबाट, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। किनभनेखेरि प्रतिनिधित्वको काम नै विशेष नागरिक, जुन नागरिकले उनीहरूलाई तपाईँको भोट जिताएर पठाएको हुन्छ उनीहरूको विश्वासलाई कायम पनि राख्नु हो, विश्वास जित्नु पनि हो, होइन र अब गोर्खाहरूसँग जब भारत स्वाधीन भयो त्यति बेलादेखि नै तपाईँको एउटा षड्यन्त्र चलेकै हो, त्यसमा कुनै सन्देह चाहिँ छैन। एउटा ट्राइबल कम्युनिटीलाई तपाईँको नन ट्राइबल बनायो, अन्त त्यो नन ट्राइबल बनाइसकेपछि फेरि उनीहरूको तपाईँको कल्चरल र तपाईँको ल्यान्ड राइट के अरे प्रोटेक्ट गर्नको लागि इनर लाइन परमिट तपाईँको के अरे लागू गरियो, होइन। तर इनर लाइनबाट 1990 एउटा सिम्पल तपाईँको एउटा टेलिग्रामको आधारमा त्यसलाई पनि फिर्ता लियो। र यो दुईवटा तपाईँको स्पेसियली जनजातिको जुन चाहिँ हाम्रो के अरे एउटा दर्जा थियो र सँगसँगै इनर लाइन परमिटको जुन एउटा हामीलाई एउटा कवच हामीलाई प्रदान गरेको थियो, दुईवटा जुन प्रकारले उठाइयो त्यो संविधानको विरूद्ध र असंवैधानिक पनि हो। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजसम्म जति पनि प्रतिनिधिहरू, चाहे त्यो लोकसभामा जाओस्, राज्यसभामा जाओस् या त विधायकहरूमा जाओस्, कसैले पनि यो मुद्दाहरूमा उठाउने र त्यसलाई बहसमा ल्याउने कसैले आँट पनि गरेन, त्यतापट्टि उनीहरूले ध्यान पनि दिएन। सिम्पल तपाईँको भोटको राजनीति मात्रै भयो भनौँ न, जातिको र जातिको सुरक्षालाई लिएर कुनै प्रकारको तपाईँको त्यस्तो खालको पहल चाहिँ कसैले पनि गरेन। र म त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कृषक समाजको बाट र पहाड़बाट नै म श्री विधायकज्यू श्री बीपी बजगाईलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। अब यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बसमा आउनुपर्छ, खालि विधायक मात्रै होइन, खरसाङको विधायकले मात्रै होइन, कालिम्पोङको विधायकले पनि उठाएको हुनुपर्छ, दार्जिलिङको विधायकले पनि उठाएको हुनुपर्छ, राजु विष्ट जसलाई चाहिँ तपाईँको अलग राज्य र तपाईँको यही 11 छुटेको जनजातिको उसमा चाहिँ भोट दिएर पठाएको छ भने उहाँले पनि यो उठाउन सक्नुपर्छ नि। जस्तो एउटा कुरा बताउँछु म, लास्ट जुन चाहिँ तपाईँको इलेक्सन भयो भनौँ न 19 अब जुन चाहिँ, र उहाँलाई जुन प्रकारले अब एउटा ठूलो मतामतले जिताएर पठायो, त्यसमा त अब भारतीय जनता पार्टीले स्पष्ट रूपले तपाईँको मेनिफेस्टोमै लेखेको कुरा छ नि त, होइन र तर त्यो 5 त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नु या त त्यसलाई तपाईँको के अरे उयसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु दिशामा कुनै प्रकारको ठोस पहल त भएन नि। खालि तपाईँको लोकसभामा मुद्दा उठाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, किनभने उठिसकेको मेनिफेस्टोमा उठिसकेको जुन पार्टीले उठायो त्यो पार्टी सत्तामा आइसकेपछि त एउटा पोलिटिकल डायलग तपाईँको सुरु हुनुपर्ने हो नि त। त्यो डायलग त तपाईँको एकपल्ट भएको जस्तो गर्यो, त्यसको बादमा त्यसलाई निरन्तर दिने काम त भएन। इभन जनजातिकै कुरा गरौँ त, पहिला भन्दा हामी जनजाति नै थियौँ नि त। कुरा चाहिँ के छ भने यो रिइन्स्टेटमेन्टको कुरा हो नि त, यो नयाँ हामीलाई जनजाति बनाउने त हाम्रो माग त होइन नि त, हाम्रो खोसिएको चाहिँ हामीलाई वापस देऊ भनेको त होइन र। त फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जब सबै गोर्खाको चाहिँ तपाईँको खोसियो, त्यसको बादमा तामाङ र लिम्बू त बन्यो त, फेरि उनीहरू कुन आधारमा त बन्ने त अन्त त्यही आधारमा अरू 11 जो चाहिँ के अरे छुटेको जनजाति उनीहरूलाई चाहिँ किन बनाउँदैन त फेरि। यहाँ यत्रो तपाईँको आरजीआई भन्यो, राज्य भन्यो, केन्द्रको तपाईँको एक दुसरोको हिला सिपाहीको बीचमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको के अरे ऊ गर्दैछ, हामीलाई किन चाहिँ तपाईँको त्यो हामीलाई त्यो जनजातिको दर्जादेखि चाहिँ हामीलाई बाहिर राख्ने काम चाहिँ हुँदैछ। एउटा त त्यो भयो होइन, दोस्रो चाहिँ के छ भने अब इनर लाइन परमिट सुरु भइसकेपछि 1990 त भएकै हो, त्यो 1990 जति पनि पहाडमा बाहिरको आएर यहाँ बस्ने भोटिया नेपाली र तपाईँको लेप्चा छोडेर बाँकी जति पनि बाहिर आएर यहाँ जमिन किनबेच गयो त्यसको पनि जाँच हुनुपर्छ। अब त्यो सबै तपाईँको किनबेच अब चाहिँ क्यान्सल हुनुपर्छ नि,
किन त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ इन्डिजिनियस मान्छे छ उनीहरूको कल्चर र तपाईँको ल्यान्ड राइट चाहिँ तपाईँको आज प्रश्न चिन्ह लाग्दैछ नि त. एउटा डेमोग्राफी चेन्ज भएर जाँदैछ नि त. र यो विधानसभा र लोकसभा पनि इनर लाइन परमिट चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ उठायो? अब यसमा पनि बस अब ल्याउन सक्नुपर्छ नि त. पूर्ण बस ल्याउन सक्नुपर्छ. यो जिरो आवरमा उठाएर हुँदैन. एकजना तपाईँको विधायकले उठाएर हुँदैन. जति पनि गोर्खा विधायकहरू छन् उनीहरू सबैले नै तपाईँको उठाएको चाहिँ हुनुपर्छ. एउटा चाहिँ पक्का चाहिँ पक्कै नै हो तपाईँको देश आजाद भइसकेपछि गोर्खाहरूकोमा भएकै देशले दिएकै नै तपाईँको के अरे जुन चाहिँ तपाईँको हामीलाई जुन सहुलियतहरू थियो सुविधाहरू छ या त सुरक्षाका कवचहरू थियो त्यो सबै नै हामीबाट चाहिँ खोसिने काम भएको छ. त हामीलाई त खालि खोसिएको मागेको मात्रै छ नि त होइन. 1950 31 जुलाई 1950 भनौँ जहाँ जति बेला चाहिँ तपाईँको नेपाल भारतको तपाईँको एउटा मैत्री सङ्घको एउटा चुक्ति भयो नि त. 1950 त्यो 31 जुलाई 1950 यताको लागि रेसिड प्रोकर त्योभन्दा अगाडि दार्जिलिङ थिएन र चिया बगान थिएन त सिन्कोना बगान थिएन कालिम्पोङको गाउँ बस्ती र तपाईँको दार्जिलिङ र तराई डुवर्समा बस्तीतिर मान्छेहरू थिएन त. फेरि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको के अरे प्रमाणपत्र चाहिँ किन चाहिँ वितरण गरेन सरकार भारत सरकारले. अलग राज्यको मागको के छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको पोलिटिकल आइडेन्टिटीको साथमा एउटा राष्ट्रिय मूलधारामा बग्ने माग हो नि त. र यसको कुनै विकल्प छैन. न सिक्स सेड्युलले गर्न सक्छ न त कुनै एउटा तपाईँको विकासको एउटा मोडलले गर्न सक्छ नि. गोर्खाहरूको मूल माग नै यही नै छ नि. र अब भारत सरकारले इपिजी कमिटी बनायो. अब त्यसको रिपोर्ट आउनु बाँकी नै छ होइन र अब यही सन्धिलाई लिएर पनि धारा 7 त स्वर्गीय सुभाष घिसिङ जब गोरुमम्मको सुप्रिमो हुन्थ्यो उहाँले जलाएकै हो नि त. आफ्नो विरोध जनाएकै हो नि त होइन र. तर धारा 9 को अन्तर्गतमा चाहिँ तपाईँको 31 जुलाई 1950 उताको मान्छेहरूलाई उनीहरू चाहिँ भारतीय नै मूलकै हुन् भनेर प्रमाणपत्र चाहिँ वितरण चाहिँ किन गराए? यसमाथि पनि एउटा बहस चाहिँ तपाईँको जति पनि प्रतिनिधिहरू चुनेर गएको छ उनीहरूले पनि यो ल्याउनु चाहिँ सक्नुपर्छ. र यहाँ भएको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छ उनीहरूले खालि तपाईँको त्यो विकासको र तपाईँको त्यो पैसाको विषय नकुदेर चाहिँ अब उनीहरू जाति र सँगसँगै जातिको जुन चाहिँ चिनारी छ र उनीहरूको आइडेन्टिटी छ त्यसलाई लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ.